मामला रामपुर नैनिक जनपद पंचायत ग्राम भीतरी का है, जहां भले ही शासन और प्रशासन स्तर से आम जन के आवागमन के लिए व्यवस्थित और सरल मार्ग बनाने की योजनाएं चल रही हों, लेकिन बावजूद इसके रामपुर नैनिक अंतर्गत ग्राम पंचायत भीतरी, जो मुख्य मार्ग से केवल 4 किलोमीटर ही दूरी पर है, लेकिन यहाँ की स्थिति का खासी बदहाल दिखाई देती है। ग्रामीण जनों को यहाँ निकलने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 10 वर्ष पूर्व मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत सड़क को जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन मुरम डालकर ही छोड़ दिया गया और उसके बावजूद यहां परेशानियों का आलम जस का तस बना रहा। अब हालत यह है कि यहां पैदल निकलने वालों को ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वाहनों की आवाजाही तो हो ही नहीं सकती। ग्रामीणों ने कई बार इसके आवेदन शिकायती पत्र दे दिए हैं, उसके बावजूद यहाँ का मार्ग ठीक नहीं हुआ। गितरी गांव में बहुत बड़ी परेशानी है। हमार सास इतनी बीमार हैं कि हम लोग जो सोचे कि हॉस्पिटल ले जाए, इतना कीचड़ है कि डोली पालकी में ले जा सकी थी। यहाँ बाहर कुछ नहीं आ सकता और दूसरा लेडीजन के जो डिलीवरी भी हो सके तो उन डोला पालकी में जा सकते थे। हम भीतरी गांव में बहुत बड़ी परेशानी है। आप लोगों से यही विनती करी थे कि हम लोगों के या रोड के हम लोगों के परेशानी की समस्या। ये कुल देवी का मंदिर है हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग 400 घर हैं कम से कम, और यहाँ कुल देवी के मंदिर आने के लिए यहाँ पे इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों की इतनी कीचड़ है, वो है किस कदर। हम लोग 2 किलोमीटर चल के आते हैं और मंदिर के दर्शन, ये हाल है कि यहाँ बरसात अगर हो जाए पूरी तरह से तो हम अपने देवी के कुल देवी के मंदिर दर्शन करने नहीं आ सकते, और यहाँ इतनी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं कि आप देख सकते हैं ये हालात हैं ये इस टाइप से। चल कोई क्या नाम है आपका? सतीश शुक्ला। कहाँ से हैं? रावट से आए। घंटे लगते हैं ये मेन रोड छोड़ने से। इधर इतना कीचड़ है कि गाड़ी निकालना मुश्किल है। मैं तो कैसे फंस गया इधर आके, बड़े मुश्किल से गाड़ी मेरी निकल पाई है। अब 3-4 लोग मिलके ढोसे ढासे तब जाके कहीं से पार हुआ हूँ। ये हालत है इस टोले का। कितनी आबादी होगी यहाँ? ये लगता है करीब 40-50 घर, 50 घर की आबादी है यहाँ की। मेरा नाम नीरज कुमार शुक्ला है, मैं ग्राम पोस्ट भीतरी रहने वाला हूँ। और यहाँ पे इतना सड़क जो है, यहाँ पे इतना कीचड़ होता है कि क्या बताएं। अब जैसे आप देख लीजिए कि ये मरीज जा रहे थे तो ये गाड़ी फंस गई और अब ये निकलेगी नहीं। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये लोग जो हैं तो निकालने के लिए आए हैं पर ये निकल नहीं रही है। अब बताइए कि हम लोग कैसे जाएं? कहीं भी जाना होता है, रामपुर जाना होता है हॉस्पिटल, तो कैसे जाएं हम लोग? तो अब शासन से यही आशा करते हैं कि हम लोगों की जो रोड है वो बन जाएगी। अब क्या बताएं? अब आप ही बताइए कि क्या क्या करें।